इतने महान और पुण्य काम में मुझे भागीदार बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया था। वो एक बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और उन दिनों में छुआछूत भी बहुत ज्यादा थी। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठा देते थे। ऐसे परिवार से और ऐसे गांव से निकल के उन्होंने एक पीएचडी की डिग्री करी अमेरिका से और एक पीएचडी की डिग्री करी लंदन से, दो दो पीएचडी की डिग्री उस जमाने में करी थी। और वो हमारे देश के आजाद भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया था कि कुछ भी करो, एक टाइम रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आज तक इतनी सरकारें आई हमारे देश के अंदर, हमारी तो नई नई पार्टी है, अभी अभी आई है, हमारे पहले कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं किया, किसी सरकार ने स्कूल बनाने का काम नहीं किया। नाम के वास्ते सरकारी स्कूल बना दिए। इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का, इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। एक गरीब आदमी को, एससी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अपनी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, इसलिए बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे कर दिए। अब दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के दलितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, उनको कई कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी चालू हो गई है। मुझे बेहद खुशी है कि मान साहब ने भी, भगवंत मान साहब ने भी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का काम शुरू कर दिया है। पंजाब थोड़ा बड़ा राज्य है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर देंगे। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके सबके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात मैं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, आपके बीच में आके कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, हम आम लोग हैं, आम जनता से निकल के आए हैं, आम आदमी का दर्द समझते हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गंदी पॉलिटिक्स करनी, भ्रष्टाचार करना नहीं आता। दिल्ली के अंदर जैसे हमने सारे सरकारी स्कूल 5 साल में शानदार बना दिए, पंजाब के अंदर भी अगले 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। ऐसे ही सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। बीमार हो जाए तो कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में पैसा नहीं खर्च कर सकता, बहुत महंगा हो गया इलाज, इसलिए बेचारा गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, मशीनें काम नहीं करती, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए। सरकारी अस्पताल बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा अच्छे हैं, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं, डॉक्टर टाइम पे आते हैं,
इलाज अच्छा होता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को भी ठीक करने का काम मान साहब ने चालू कर दिया है। मान साहब 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और हमारे जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर, वो भी 24 घंटे इसमें लगे हुए हैं। दिल्ली में हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक, आपको खांसी बुखार जुकाम छोटी छोटी बीमारियां हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में अपने गांव में अपने पिंड में अपने मोहल्ले में जाके वहां से इलाज करा सकते हैं। वहां सारी दवाइयां मुफ्त होती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है। मैंने 5 साल में दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले, पंजाब में मान साहब ने 1 साल में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। तो जो काम हमने दिल्ली में किया उससे 10 गुना स्पीड से काम अभी पंजाब के अंदर हो रहा है। अब हर पिंड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपको और आपके पूरे परिवार का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है, ऊपर वाले की कृपा से यही एक मौका है जब हम सब मिलकर एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। ईमानदार सरकार है, हम पैसे चोरी नहीं करते, पैसे डाका नहीं डालते, जितना पैसा टैक्स में आता है सारा पैसा आपके ऊपर खर्च करते हैं। यही मौका है, 3 करोड़ पंजाबी मिलके पंजाब सरकार के साथ इस बार हम सारे मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें किसी हालत में माहौल खराब नहीं होने देना, हमें पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हमारी पंजाब सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, हम कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान साहब ने कठोर निर्णय लिए, लेकिन बिना एक भी गोली चले, बिना कोई भी खून बहे, पूरे पंजाब के अंदर आज शांति व्यवस्था बरकरार है। और जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आज दम दबा के भाग रहे हैं। तो किसी जो भी शांति खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज पंजाब के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं वो भी दम दबा के भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा नशा खत्म हो गया, अभी भी इधर उधर काफी लोग हैं, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। जब 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलकर सरकार का साथ देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पंजाब के अंदर नशा बेच सके। तो सारे पंजाब के लोगों को मिलकर नशा बेचने वालों को भी पंजाब से बाहर भगाना है, इनको भी पकड़ के जेल में डालना है जितने नशा बेचने वाले हैं। तो मैं कानून व्यवस्था के अंदर भी जितना सुधार हुआ है, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी हम देखते थे बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी, कोई इस नेता का है, कोई उस पार्टी का है, कोई उसके साथ उसका संबंध है, वो उसका माई बाप है, वो उसका गॉडफादर है, सबकी कहीं ना, सारे गैंगस्टर सारे बड़े बड़े अपराधियों की कहीं ना कहीं सेटिंग थी, इसीलिए किसी को पकड़ा नहीं जाता था। आम आदमी पार्टी की किसी के साथ सेटिंग नहीं है, इसलिए एक एक करके पिछले 1 साल के अंदर जितने गैंगस्टर और जितने अपराधी पकड़ पकड़ के जेल में डाले हैं, धीरे धीरे आपको पता लगने लगा है कि पंजाब के अंदर कैसे शांति व्यवस्था आने लगी है, कानून व्यवस्था आने लगी है। हमें बच्चों के लिए नौकरियां देनी है, बच्चों को हमें बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देने हैं, हमें बच्चों के हाथ में नशा नहीं देना, हमें बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं देनी। पंजाब के लोग इतने अच्छे हैं, अभी मैं नांगल से आ रहा हूं, कितनी खूबसूरत जगह है नांगल, इतनी खूबसूरत सतलुज नदी है, सामने पहाड़ है, इतनी खूबसूरत जगह भगवान ने बनाई है पंजाब। इसको कुछ लोग जब माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी भी हालत में माहौल खराब नहीं करने देंगे। अभी पिछले दिनों 25,000 के करीब मान साहब 25,000 नौकरियां सरकारी नौकरी 26,797 सरकारी नौकरियां मान साहब ने दी है बच्चों को। उसी तरह से पहले आप देखते थे हमारी सरकार के पहले टीचर पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, डॉक्टर पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, अब ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता कि कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ है। सबको पक्का कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, जब आप पक्का काम करो
तो पक्का काम करने में टाइम लगता है, लेकिन अब आपको कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ नहीं मिलता। तो पंजाब धीरे 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 पटरी पे आ रहा है। आप सब लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं हम लोगों को। आज गुरु महाराज जी की भी दुआ लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, बाबा जी का भी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ आज यहाँ आने का मौका मिला। जय गुरुदेव। बोले सोनर पहश रविदास महाराज की। संगत से निवेदन है कि कृपया 5 मिनट के लिए और बैठने की कृपालता करें। बहुत 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 धन्यवाद श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली। उन्होंने अपने विचार संगत के बीच में रखे और अब जो श्री गुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी पर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, वो 25 करोड़ रुपए का चेक महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। बोले सोन रुपए श्री रविदास, सतगुरु स्वामी सर्वंदास महाराज की, अमर श्री संत रामानंद महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब का, महाराज जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, श्रीमान भगवान सिंह मान जी मुख्यमंत्री पंजाब महाराज जी पासों आशीर्वाद लै रहे हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी उन्होंने नाल ही मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन, श्रीमान राघव चड्डा जी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन, मंत्री पंजाब सरकार श्रीमान लाल चंद कटारू चक जी, MLA साहब करतारपुर तो श्रीमान बलकार सिंह जी, MLA जलंधर वेस्ट तो श्रीमान शीतल अंगुराल जी, MLA अमन अरोड़ा जी, डॉक्टर रमनजोत जी और जीवन ज्योत जी, मंत्री साहब श्रीमान कुलदीप सिंह धारीवाल जी, वो भी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन, संत महाराज बलवीर सिंह जी सिटेवाल मैंबर पार्लीमेंट महाराज जी दे पासों सरोपा भेट करनगे। तो गुरु प्यारी सात संगत जी जिथे अज पंजाब दे MLA MP श्रीमान अजय दादी MLA दिल्ली महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन। तो गुरु प्यारी सात संगत जी अज मैं तह दिल तो प्रशासन का भी धन्यवाद करदा, जलंधर DC साहब श्रीमान जसप्रीत सिंह जी जिन्हां दीआं बड़मुलियां सेवावां आश्रम प्रति हुंदियां ने, तो DIG स्वैपन शर्मा जी महाराज जी पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन, SSP साहब जलंधर देहाती श्रीमान स्वरणदीप सिंह जी कृपया भी आउण महाराज जी दे पासों अपना मान सम्मान प्राप्त करन। तो गुरु प्यारी सात संगत जी मैं आज बहुत आभारी हाँ समुचे MLA साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री पंजाब श्रीमान भगवंत सिंह मान जी जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी नू अगे लैके चलते गुरु रविदास महाराज जी दे रिसर्च सेंटर की प्रमता की है। तो सारे शासन प्रशासन का और MLA साहबान मंत्री साहबान सारे सेवादारा का बहुत बहुत धन्यवाद कि अज डेरा श्री 108 संसरवंदा जी सचखंड बल्लम विखे अज महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त किए ने। तो गुरु प्यारी सात संगत जी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी वालों और मैं अपने वालों आप सब संगतान का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। आओ बुलंद आवाज में एक बार जयकारा लाइए जी। बोले सोन रुपए श्री रविदास, बोले
सौ निरपै सतगुरु स्वामी सरवणदास मह बोले सौ निरपै अमर शहीद संत रामानंद महाराज सरपेख भगवान की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।